माशाल्लाह जी, बड़ी गल। क्या हाल है जी? माशाल्लाह जी, कम शुरू हो गया जनाब। बड़ी ने बोला ना परेशानियां दूर फरमा, मुश्किल आसान फरमा। اللهم بارك في هذا البيت، اللهم بارك في هذا البيت، اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وقبل أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد، وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين وارحم المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين وارحم المسلمين
जिन दोस्तों ने अपने मरहूमैन के साल साहब के लिए काम किया या उन तमाम मरहूमैन की बख्श पर मुख्तर फरमा, उनके कब्रों को हफ्ते दस तक खुला फरमा, तमाम मुसीबत दूर फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा, मुश्किल आसान फरमा। या अल्लाह हम सबको आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगानी खुशी कदा फरमा, महसूस फरमा। या अल्लाह ये जो काम शुरू कर रहे हैं या इस काम में बरकत और आशीर्वाद फरमा, खैर खबरी अपना इस काम को अपनी मंजिल मकसद का पहुँचा, तमाम परेशानियाँ दूर फरमा, मुश्किल आसान फरमा। अल्लाहुम्मा बरकत हाज़ल बैत, अल्लाहुम्मा बरकत हाज़ल बैत, अल्लाहुम्मा रब्बना इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिया وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وكف أمورنا إلى الله ما شاء الله جی بڑی گل ہے کیا حال ہے جی بسم اللہ الرحمن ماشاءاللہ جی کام شروع ہوئی ہے ناڑ تلاڑ ہے پولاں بغلین آئی ہے कम शुरू हो गया शामिल हो रहे हो और इसमें खिलाफ जाइए इसका भी कहने लगे। सब तो पहले तो मैं अपनी तरफों जनाब सैयद शबीर हुसैन शाह साहब, सैयद रजी हुसैन शाह साहब, सैयद रजी हुसैन शाह साहब उन्होंने खराज तहसीन पेश करना कि उन्होंने इतने तक उस जमाने कोई लोग पहुँचाई सी वाला आलम के अपनी जेब इतनी थक जाई ने गौरमेंट को गिंदे ने कुछ भी जो भी ऐसी, लेकिन मैं समझना कि असा इलाके नहीं तरफों कोई उस टाइम तरीका तक नहीं सी। ये उन्होंने हिम्मत सी फिर पता नहीं कितने साल उन्होंने अपने तौर पर इसकी मेंटेन रखा। असा बेशक इस अपने प्यादल ही जाने सा, लेकिन फिर भी असा वास्ते बड़ी सहूलत सी। असा की लिफ्ट भी देने सन अपनी कारों पर। दुआ कि अल्लाह ताला उन्होंने आलम बरगत में तमाम जो दर्जा है ना आने वाली मंजिल वो आसान फरमान दो तरफ वाला मुकाम करिए। ये पुल जड़ा बनाया सी ये भी उन्होंने मरूड़े मेहनत की, उन्होंने ही ब्रिगेडियर साहब की दावत दी, उन्होंने ही सारा कुछ उन्होंने किया। असा तो माड़े ख्याल कोई ऐसा बंदा नहीं सी जड़ा उन्होंने कामन कर उस टाइम पर इस तरह बंदे गठे होने में भी कोई ऐसा चांस नहीं नज़र आ रहा बहुत पिछा अगर जांच है, क्योंकि उसल ये सड़क है पीर नहीं तो पीर इसकी सारा वो कर सकते हूँ तक भी असने छोटे बच्चे मैं कुछ ही कारा ही बाल
तुआने पीरानी साढ़ गरुड़ी ब्याना यार हूँ पीरानी नहीं रही हूँ साड़ी फिर यह कि जो जो वक्त गुजरिया अगे भी गई थी सब तो ज़्यादा सैयद वजीर हुसैन शाह उन्हें खराज तहसील पेश करना कि उन्हें पहला पाशा अपनी जमीन की बीमारी से स्टार्ट किया और असा की लम्मा लम्मा ये चीज़ा जड़िया साड़ी छोटी तो हुई याद हैं और दिल ने अंदर इज्जत एहतराम कदर भी आया। अब शार्ट कट है कि गर्मी भी है, मैं इस तरफ अचना कि असा ये एमरजेंसी जहा प्रोग्राम बनाया कि इतना पुल बनाया जाए क्या बनाया। सवाल ये पैदा होना कि ये गौरमेंट क्या नहीं बनानी पुल, ये तो बल्कि असा पर बैरून मुल्क थू और अंदरून मुल्क इतू भी सवाल करने बंदे जी कि गौरमेंट क्या नहीं बनानी, ये काम तो गौरमेंट ने जरा असा अपने जुम्मे किया। असा सारे पर चीज़ अजा आ कि पिछले कुछ अरसे थू साढ़े मुल्क ने अंदर गौरमेंट ना नहीं कोई चीज़ नहीं, असा खुद जड़े असा शक्ल पे हुए असा कि आवे तो ये चीज़ दसी जानी कि असा ना पैदा होने वाला बच्चा 1,20,000 ना मकरूज है या लेकिन ये 5-10 साल पहले नहीं गल हूँ कोई अदाद शुमार करने वाला बंदा वह तो पता नहीं असा कितने करोड़ों ने मकरूज हर बंदा जड़े असा शक्ल पे हुए असा क्यों हर फटन फटन सारे असा जड़े हैं वो करोड़ों ने मकरूज है। दो वजह ही हैं कि एक तो गौरमेंट को वक्ती वसायल कोई नहीं, दूसरी चीज़ यह आ कि गौरमेंट ने जड़े मनसूबे होने वो बड़े लंबे होने वो हो सकना इस पुल ना टंड्योर असा ठेकेदार साहब नाल 2 महीने तय किया, उम्मीद है कि ठेकेदार साहब 2 महीने तू पहले पहले इसकी मुकम्मल कर सकें, लेकिन इे टेंडर गौरमेंट ने कुछ ठेकेदार को लगा जाए इवन इे टेंडर इे ठेकेदार साहब ना जे साढ़े अरशद साहब ना इन्हों को गौरमेंट की तरफों लगा जाए तो हो सकना 3 साल ना पीरियड दे 3 साल भी ये कंप्लीट ना हो आखिर जल्द छत पै तो उस फिर आखिर नहीं हूँ तुम असं भी दौ पैसा असा कि क्योंकि जल्दी क्या जल्दी आ कि वो पुल जरा असा पलाया वो लोडर गड्डिया की बर्दाश्त नहीं करी सकते असा उस पर क्योंकि रोड तो तुमने सामने इधरों बंद है ट्रैक्टर दूसरिया लोडर गड्डिया जितनिया भी आ रहा वो इधरों तो गुजरी नहीं सकनिया। इस वास्ते आ कि असा उसकी रिपेयर तो करवाया लेकिन अगर मजीद इस तरह जी पोजिशन है लोडर गड्डिया उस पर गुजरनिया रही असा चू कोई बंदा उत्थे मौजूद नहीं होना बल्कि असा ही तो लोड खड़ने ना असा आने अपने लंघी जो कोई नहीं तकने बहुत उधर और इसलिए कोई बात नहीं। इस वास्ते ये आ कि अगर 3-4 महीने मजीद उस पर गड्डिया जानिया रही तो वह खत्म हो जा जल्द वो खत्म हो जासी साढ़े को पैदल रस्ता भी बंद हो जा। असा इस वास्ते ये कोशिश की कि जल्द अज जल्द ये पुल मुकम्मल हो जाए असा ने जड़ी आमदोरफ्त इधरों बहाल हो जाए वो पुल असा पैदल लोगों वास्ते मोटरसाइकिलों वास्ते रेंद बच्चे साढ़े स्कूल जाने पैदल कोई प्रॉब्लम ना हो। गौरमेंट नाल अगर असा ना कोई कंट्रैक्ट होना तो एक इतना अच्छा काम नहीं होना, दूसरा लेंथी काम होना बहुत टाइम बाद तैयार करी देस। इस बाबू शफकत और बाबू सफदर और इन अपने तौर पर बहुत कोशिश की ने अपने भी आप पर थोड़े बहुत पैसे मंजूर कराए ने ठेकेदार है कुछ काम किया वो आपू भी बाबू आखने के न्यायत नाकस काम जरा किता से बड़ा नाकस काम किया ये उस तरह ना काम निस किता कि अगर इसकी असा हिस्सा की लेंटर करा थोड़े जे पैसे लाई लेंटर करी रास्ता बहाल करी सको लेकिन 1-2 साल बाद असा कि फिर दोबारा बनानी दस असा इसकी 2-3 दफा अगर बनाई चुके हैं ये हूँ 4th दफा ठेकेदार बनाना पाया जिसलै बनाने वो रुड़ी जानी जिसलै बनाने रुड़ी जानी क्योंकि वो प्रॉपर काम नहीं होना पाया। हूँ सारे मौजूद सो चलो कुछ बिच शामिल नहीं भी सन बंदे या नहीं भी बंद की पता कि क्या हो रहा चीदा चीदा महल्ले वाइज ही कि एक बंदा जरा मीटिंग जो 2-3 हुई उस शामिल सन सारे ने यह डिसाइड है कि इसके
ख़त्म करो, मिसमार करी, इसकी एक प्रॉपर तरीके ना पुल बनाओ। जिस तरह इस खड्ड पर इस तो नीचे दो पुल बने हुए, वो चलो सरकार बनाए, इस तो उपर माहले सात एक पुल है इलां तक जड़े तकरीबन तकरीबन आपू लोगों बनाए, वो आज तक कामयाब ना। अस बार बार पुल ही बनाने रहे हैं, काजवे बनाने रहे हैं, उन्हें पुल बनाए वो कामयाब ना। असा कि भी पुल बनाना चाहिए। फिर असा ये बेई सलाह मशुरा करने तो बाद वो जरा ठेकेदार सी उसकी बाबू सबदुर राजी और उन्हें बुलाया, बुलाई तो उस अच्छी तरह लम सम आया कि सो मन सरिया सम की दियोत है, ये बाकी मैं कंक्रीट आने सी सब पिछों की लेंटर पाई देसा, ये जड़ी आया जिस हालत ही आया। फिर असा ये सारिया तजवीज़ की कि उन्हें सो मन सरिया उसकी 12-13 लाख रुपये ना सरिया दे छोड़ा, लेंटर वो इसे फिर बस ही ये तो बल्कि टही पे सी, लिहाजा असा ये आने कि असा इसकी जड़ा ना दोबारा मजबूत करी तक बना, ठीक है बनाने नहीं आया कि इसी असा जी ठेकेदार साहब ना सा मुआदा होया, वो ये होया कि इसने लंबाई जी है ना पिलर समेत ये उसी कोई 40 फुट, दरम्यान भी पीलर हो सन, 2 16-16 फुट ने दरवाजे हो सन दरम्यान गैप, हाइट इसने वो क्योंकि पानी है बिच उतना इतना डूंगा पानी है थल्ले ते 8-8 फुट जा सन। लेकिन वो पार एक पारले साइड पर एक उठा एक अच्छा जहाँ टीका वा उसने बराबर हो जैसी यानी यूं समझो कि इस जिथे बाबू बैठे हुए इस तो ऊपर कोई 3-4 फुट और ऊपर जासी थला इतना पानी है, वो नाप नहीं होना जिला पानी खाली होती तो पता लग सी कितना डूंगा होना, वही सकना कोई इसको भी ज़्यादा डूंगा है। इसके पेलर शेलर सरिए ने नाल बननी थलिया कोई 8-8 फुट थले भी जा सा खड्डे भी तो पूरा एक बक्स पीलरों ने 8 बक्स बन सन 8-8 फुट, उस तो बाद अगर पर 2-2 फुट ने पीलर पीलर 16 फुट चढ़ाई हो सी, 40 फुट इसनी लंबाई हो सी। इसके ऊपर जड़ी वो है ना डाली जी उठा तक ये रोड जड़ी अप्रोच रोड ना वो उधर वो जड़ी डाले है उठा तक 85 फुट बोला थू इधर 85 फुट इधर 65 फुट उधर, ये भी नाल जड़ी है पुख्ता हो सी। ये प्राई करसन ठेकेदार साहब जी का सोलिंग होनी हुई सोलिंग जी इधर दीवार लासन ना इस साइड पर दे, ये तो वैसे ऑटोमेटिक कुचिया हो सी साइड नाल पड़दी हो सी, तो ये अपर लेंटर बस दो साइडों पर 40-40 फुट पर्दे भी हो सी, दो साइडों पर 40 फुट इधर 40 फुट इधर लंबी 2-2 फुट कम अज कम जड़ी है उची हो सी। ये सस्ता यह कि असा ये कोशिश की थी कि खेरे लोग भी अपना हिस्सा बन जे वो भी हिस्सा बन, बात यह आना सको कि अगर असा अल्लाह नाल बिजनेस करना है ना अपनी रोजी रिज़्क़ च इजाफा करने से तो अल्लाह ने यह वादा आया कि मैं तुसों की 1 रुपये ने बदलिया 10 रुपये इत्थां देसा दुनिया पर तो 70 रुपये आखिरत देसा, तो अगर असा 1,000 देसा इत्थें तो असा ने रोजी रिज की कितना इजाफा उसी मास्टर जी 10,000 इतना लब सी ना लेकिन उठे पसी कर सकते हैं ये ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਾਣਨਾ ਕਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋ 10,000 ਰੁਪਇਆ 1,000 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਸੀ ਜੇ ਅਸਾਂ 10,000 ਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਲੱਖ ਲੱਭ ਸੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਜੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਲਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਬੜਾ ਬੜ ਚੜੀ ਤਾਂ ਇਸਾ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਕਿ ਯਕਣ ਦਾਣੀ ਕਰਾਈ ਹੈ और नाल असा ये भी आखा ने कि इस रोड ना भी एस्टीमेट करो तो उन्हें जितने बैरून मुल्क ना उन्हें सारे ना इस सब पर असा शुक्रगुजार हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शुक्रगुजार हाँ, फोन पर भी शुक्रगुजार करने लिहाजा तुसा सारे गै इ रिक्वेस्ट है कि जेडे इत्थे वो अपनी अपनी जान माल ना सदका खैरात इत्थे लगी जसी इत्थे ज़कात भी लगी जसी इत्थे सारे सदकात खैरात लग सन, उस तो बाद अगर तुसा कोई बिजनेस करने वाला नाल
तो उसकी बाहूबी ये जहन च रखी तो बिजनेस करो तो मैं एक त्रोड़े न पैसे देसा या मैं 1,000 देसा तो मिगी इस जरूर 10,000 और असें पता भी नहीं लगन लगा असें 10,000 ना साड़ा कोई ना कोई काम हो ही जाए तो इस एक तो यह इस हिस्सा बहु दूसरा ये कि नहीं ये पुल ना बाबू सफदर ना ना बाबू दस्तकार ना ना बाबू शफकत होर ना ये पुल अस सारे ना जो अस इधर रहने बल्कि अज ही गुलाम नबी होर मैसेज किया अपने अतिये ने भी उन्हें यकीन दानी कराई और बड़ा अप्रीशिएट भी इसकी किता ने उन्हें आया कि पुल खाली तलाड़े बढ़ाना नहीं ये पुल पूरी इस यूनियन कौंसल ना पूरे हल्के ना आगे जड़े लोग इस अपने गुजरी का जासे नहीं ना अगर कोई ऐसा ना इधर उधर लिंक है जाना या आना ये इस वास्ते आके सारे ना जिला काम स्टार्ट होया इतों निकलिया करने सारे तक्को सुनो और उस तू बाद कि जिथे कोई गलती है नहीं उतना तुसा बाबू सफदर होरे कमे की समझने इन्ना की बाहो ठेकेदार साहब नाल या उन्होंने लेबर ना मल्ली छली करने की जरूरत नहीं लेकिन इन्ना ही बाहो फिर ये सर फिर असा उन्होंने काम रोकी कुदर गए ठेकेदार और गए ठेकेदार जी गलत पाया सही सही है काम रोकी असा इन्ना की बासा कि भाई तुस इत गलती करने हो सीमेंट कट बाने हो बजरी ज्यादा बाने हो या सरिया तुसा कट रखे या जो भी जिसने हर बंद ने अपनी अपनी समझ होनी मैं अगर कोई गल की तुसा गए तो माड़ी जी समझ है उसने मुताबिक मैं की ना माड़ी मतलब ये तो नहीं ना कि माड़ी इतनी समझ है कि बहुत सारा मतलब है समझना हो कमे की है सारा कुछ कमे की बाबू इस वास्ते समझने कि वो मतलब है कम कराने रे बच्चे सन तो उन्होंने घर कम करा रोडों पर सारा असा इन्ना कम इतना ना समझने लेकिन तुसा सारियां की रिक्वेस्ट है कि अगर तुसा जो कोई बंदा ये महसूस करे कि ठेकेदार और इतना गलत करने पे तो तुसा बाबू और नंबर रखो उन्हें फोन करो इसन चेक कर सन कि वाकई ठेकेदार और गलत करने काम रोक सन फिर असा इन्हों का बेचता उसकी डिसाइड कर सन ठीक है ना बाबू अगर बाकी चूंकि असा हम सारे अगर इन्हों पर तनकीद करनी शुरू करी कि ना कम रुकी जैसे कम रोक सन ओ कि वो समझने कमे बाकी असा ना लं अगे नहीं तरह असा ना ये कम करन लगे कि पहले जिस तरह असा इधर कंक्रीट करने रहे कोई आया कोई गया कोई किस तरह ऐसे देई छोड़ने असा लेकिन असा कमे तकने सुनने ना जड़े साढ़े बैरून मुल्क लोग ना उन्होंने भी इयै मर्जी है कि कम वै लेकिन अच्छा कम वै मारी वै जो बार बार असा की इना करना असा जड़े साढ़े उत्थे अजीज गए वे ना कोई स्टूडेंट गया वा कोई बार परमानेंट पर कोई नवा नवा गया कोई बीमार है कम नहीं करना उन्होंने वास्ते 300 pounds रखा जड़े उत्थे भी ठीक ना मतलब अच्छी गुजरकात करने उन्हों की गुजारिश ये आ कि वो ज्यादा पैसे भेजन ताकि ये कम भी हो जाए नाल सड़क ना भी अफकार बार बार आना सी एस्टीमेट दसो तो पता लगे तो असा कोई पैसे इकट्ठे करा इस ना जरा असा ना ठेकेदार और जरा ठेका होया जी कम जरा तुम्हें दसिया ना कम ये लिखत पढ़त हुई भी है हर चीज उस पर ऐड है पैसों ना असा इन्होंने कोई मुआदा नहीं किया तुम कि कदू देसा कदू ना देसा लेकिन जितने जल्दी पैसे देसा इतना जल्दी असा इन्ना को कम की ठीक है गल जी ठेकेदार जी अच्छा ये टोटल 48 lakh rupees असा इन्होंने ठेका किया ठीक है 48 lakh ये रोड भी बना सन ये पुल भी बना सन 12 तक और जड़ी नाल दसी ना 85 feet इधर 60 feet इधर ये जड़े नाल बनते हुए ना 20x20 feet नहीं उठा तक ये सी एक तारफी बातचीत जरा आरम कराया जड़े बार बार बंदे ये गल आखने ना जी बोर्ड मीटिंग आखने के जड़ा बंदा दुनिया पर जाए ना ज्यादा माल कम देने ना नमाज रोजा कलमा हज ज़कात सारिया चीज़ा फर्ज ना बंदे पर लेकिन दो चीज़ा उसकी हमेशा वास्ते कब्र च भी जिंदा रख सकते एक उसने नेक औलाद आप साहब नेक औलाद जड़ी के वो मतलब है पिछले पढ़ाई मतलब है स्वाब कर
दूसरी जड़ी है ना सदका जारिया, और आप सब क्या समझो सदका जारिया है या नहीं है? बिल्कुल जी, क्योंकि बेबासा गोरमेंट ने दिया असं आपको बनासा तो इसी से आने संप्रदायत पत्थर आज कोई जुड़ती माल मवेशी भी जुड़ती है, इस वास्ते सदका जारिया है। अपने अपने बंदियों की लाले नजाक तो असं की मशुरा दिता सी कि इतने जी माशाला जी कम शुरू हुई है, नाड़ तलाड़ा पुलना बगलैन आई गई है, कम शुरू हुई है। Yeah.